सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आज का पंचांग 11 जनवरी 2021 दिन सोमवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 9:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:34 से 9:54 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 9:09 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 11 जनवरी 2021 दिन सोमवार, यात्रा की तैयारी अच्छे से करें क्योंकि जटिलताओं की संभावना है। कुछ नया पढ़ना आपके आत्ममूल्य की भावना को मजबूत करेगा। आपके पिता आपके महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप अपनी ताकत और सीमाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी कामों को सही समय और सही तरीके से पूरा करना कोई आसान बात नहीं है, किंतु आप इसमें सक्षम हैं। पुराने कामों को ना दोहराइए, बल्कि कुछ नया और रोमांचक कार्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप पेंसिल की तरह किसी के जीवन में खुशियां नहीं लिख सकते तो रबड़ बनकर किसी के गम मिटा दें। आज कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। किसी शुभ चिंतक की प्रेरणा व आशीर्वाद से आपको यह महसूस होगा कि मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। व्यस्तता के बावजूद रिश्तेदारों व मित्रों के साथ कुछ खुशनुमा समय व्यतीत करेंगी। आप पर बना तनाव कायम रहेगा। घर में चल रहे झगड़ों का असर आपकी मानसिक स्थिति पर हो सकता है, जिसकी वजह से किसी भी बात में काम लग पाना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर भी परिवार से संबंधित बातों की वजह से व्यक्तिगत बातों का नुकसान ना होने दें। ओवर टाइम का मुआवजा या बोनस प्राप्त होने की वजह से आर्थिक परिस्थितियां ठीक बनी रहेगी। पार्टनर की अपेक्षा को पूरी करने की कोशिश आपके द्वारा होगी। सावधानियां, किसी के साथ बातचीत करते समय ध्यान रखें कि आपके द्वारा कोई ऐसी बात ना बोली जाए कि किसी का मन दुखे। कोई आधार दिया हुआ पैसा वापस मांगने पर वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़े होने की भी आशंका है। घर में मेहमानों के आगमन से खर्चों की अधिकता रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके लिए रूप रंग और सूरत अधिक महत्व नहीं रखते, बल्कि मन की सुंदरता अधिक मायने रखती है। यही कारण है कि आपका साथी आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप भी अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें। आपका रिश्ता जल्द ही लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। रोमांस और धन आज आपके लिए चिंता का विषय होंगे। आप अपने जीवन साथी के करीब महसूस करेंगे और उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताएंगे। आप सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। प्यार जीवन में आत्मविश्वास के साथ एक नए उद्देश्य को लेकर आता है, इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ इसका आनंद लें। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने रोमांटिक मिजाज से कुछ अच्छे पल हासिल करने वाले हैं। स्वरोजगार आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। इसके साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी होगा। याद रखें, परिवर्तन मनुष्यों के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, इसीलिए बदलावों को खुशी से स्वीकार करें। आने वाले दिनों में धन और
आमदनी के मुद्दों की तरफ आपका ध्यान अधिक जाएगा। आपके आसपास कुछ रोमांचक चीजें होगी जिनसे आप बोर नहीं होंगे। आप में से कुछ के लिए आपकी भावनात्मक प्रतिबद्धता आपका अधिक समय लेगी। भविष्य में सुनहरे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं सेहत की। आज आपका भाग्य ही आपको सफलता दिलाएगा। आज सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। आपको लगेगा कि ये सब आपकी मेहनत से ना होकर आपके सौभाग्य की वजह से हो रहा है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।